कहते हैं उस छोटी सी कोमली को कि तुमने यह सब मुझे दान में दे रही हो, तो तुमने अपने माता पिता की आज्ञा तो ली है ना कि मैं गांधी जी को यह सब चीजें हैं वो दान करने वाली हूँ। ऐसी बात है वो तुमने अपने माता पिता को बताई है ना, उसकी अनुमति तो ली है ना। बिना कोई उत्तर दे उसने कानों में से रत्न जड़ी बुंदे भी निकाल दी। कौमुदी कुछ भी नहीं बोलती और अपने कानों में जो सच्चे हीरो की बूंदे रत्न जड़ी बूंदे है वो निकाल कर निकाल देती है। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से अपना ले रही ना। कैसे गांधी जी है वो बता रहे हैं कि तुम ये सारे जेवर आभूषण मुझे दे रही हो तो तुमने अपने माता पिता की अनुमति उसकी आज्ञा है वो ली तो है ना। कौमुदी कुछ उत्तर देती उससे पहले किसी ने कहा, कौमुदी कुछ उत्तर देती उससे पहले कोई व्यक्ति है वो वहां आता है और वहां कहता है इसके पिता तो यही है ना, मान पत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगा कर आपकी मदद कर रहे हैं। वह व्यक्ति है वह कहता है कि उसके पिताजी तो यहीं पर है जो मान पत्र यानी कि आदर से लिखा पत्र उसकी नीलामी में वही तो बोली लगा रहे हैं, वही तो आपकी मदद कर रहे हैं। जब बाप ऐसा हो तो बेटी उससे भी महान होती है। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम है होगा ही कि गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगे। गांधी जी है वो बताते हैं कौमुदी से कि तुमने एक बार यह गहने हैं वो दान में दे दी, फिर तुम बहुत जल्दी नए गहने हैं वो नहीं बनवा पाओगे क्योंकि ऐसे इतने पैसे तो तुम्हारे पास होंगे नहीं, तुम्हारे माता पिता के पास भी इतने पैसे होंगे नहीं कि वह तुम्हें नए आभूषण नए गहने हैं वो खरीद ले सके। तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगे। कौमुदी ने यह सब दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ली। कौमुदी है वह भले ही छोटी थी मगर उसने मक्कम मन से यह बात है वो स्वीकार कर ली थी कि मैं अब दोबारा है वो गहने खरीद नहीं पाऊंगी। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया। गांधी जी है उसने कौमुदी को हस्ताक्षर तो दिए मगर साथ में उसने एक वाक्य भी लिख दिया, तुम्हारे एक आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तुमने भले ही ये सारे आभूषणों का त्याग किया मगर इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा सच्चा त्याग है कि तुमने यह वस्तु है वो दोबारा नहीं मिलेगी। यह जानते हुए भी इन आभूषणों का त्याग किया वही सच्चा आभूषण है वही सच्चा गहना है। सच है देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, सच है हमारे देश प्रेम से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं होना चाहिए। बच्चों आपने देखा कि एक 16 वर्ष की कौमुदी है वो देश को मदद करने के लिए वह अपने सारे आभूषण सारे गहने हैं वो उतार देती है और दान में दे देती है। वह जानती है कि मैं यह गहने दोबारा नहीं बनवा पाऊंगी, फिर भी वह सारे गहनों का त्याग कर देती है क्योंकि हमारे देश को हमारी जरूरत है। यह जानकर कौमुदी है वह अपने सारे आभूषण है वह दान दे देती है। बच्चों हमें भी कौमुदी के जैसा देशभक्त देश प्रेमी बनना होगा। बच्चों आप यह वीडियो है वो पूर्ण देखना उसे समझने की कोशिश करना। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।